हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं और एक इस वीडियो के साथ। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारी बोट की एवोक क्लोन वॉच। तो गाइस, फ्रंट साइड पे आपको देखने को मिल जाता है बोट एवोक का लोगो और आपको वॉच में आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। उसी के साथ आपको कस्टमाइज वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। इस वॉच के अंदर प्रॉफिट बैंड एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है गाइस। और बात कर ले हमारे राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड पे आपको बोट लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और आपको गाइस बैक साइड पर बहुत सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें से कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर हैं। और आपको लेफ्ट हैंड साइड पर भी बोट का लोगो देखने को मिल जाता है। टॉप साइड एंड लोअर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता गाइस इस वॉच के अंदर। तो गाइस, कर लेते हैं अपने वॉच को अनबॉक्स। तो गाइस, सबसे पहले आपको वॉच के बॉक्स के अंदर आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, जो कि हमारी होने वाली है एमुलेट डिस्प्ले के साथ। और गाइस, आप देख सकते हैं बैक साइड पर भी आपको प्लास्टिक रैप देखने को मिल जाती है। थैंक यू सो मच गाइस हमारी i7 प्रो वाली वॉच के ऊपर इतना प्यार दिखाने के लिए। तो गाइस, जिसने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके देख लो गाइस। उसके बाद गाइस आपको एक मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर में है। तो उसके बाद हमें ब्लैक और व्हाइट कलर में स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उसके कलर्स के साथ। उसके बाद हमें यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। यूजर मैनुअल में हमें एक स्कैनर काम का चीज होने वाला है और उसके अलावा हमारा कुछ भी काम का नहीं है। स्कैनर स्कैन करने के बाद हम इस वॉच की एप्लीकेशन डाउनलोड करने को मिल जाती है। तो इसको रख लेते हैं गाइस साइड। तो गाइस, ये वॉच आपको 3 कलर में देखने को मिल जाती है, जो कि है ब्लैक, ग्रीन और डार्क ब्लू। तो गाइस, बात कर लेते हैं हमारे वॉच की। गाइस, ये लुक्स में काफी प्रीमियम वॉच देखने को मिल जाती है, वो भी अपने बजट रेंज के अंदर। तो गाइस, अब बात कर लेता हूँ फ्रंट साइड के लुक्स की। गाइस, ये एकदम सेम टू सेम एप्पल वॉच की तरह देखने को मिल जाती है। गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे हमें सबसे ऊपर क्राउन बटन देखने को मिल जाता है और उसी के नीचे हमें माइक्रोफोन और उसके नीचे हमें एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे हमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। अब कर लेते हैं गाइस हमारी वॉच को स्टार्ट। स्टार्ट करने पे हमें बोट का लोगो देखने को मिल जाता है और ये वॉच 3 से 4 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारी वॉच ऑन हो चुकी है। ऑन हो जाने के बाद गाइज कुछ इस तरीके का आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाता है। गाइज, इस वॉच के अंदर आपको क्राउन बटन वर्किंग देखने को मिल जाता है। गाइज, आप देख सकते हैं आपको क्राउन बटन इस वॉच में इतना स्मूथली वर्किंग देखने को मिल जाता है। गाइज, इस वॉच के अंदर आपको 5 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। और गाइज, हम अपनी वॉच के अंदर कस्टमाइज वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हैं। गाइज, अब बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो गाइज, नीचे स्क्रॉल करने हमें मैसेज का आइकन देखने को मिल जाता है, जो कि हमें सारे नोटिफिकेशन देगा मैसेज से रिलेटेड। और गाइस, ऊपर स्क्रॉल करने पे हमें 6 इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और हमें सेकंड फीचर मेन्यू स्टाइल का देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें 6 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। गाइस, फर्स्ट मेन्यू स्टाइल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दिया है। और गाइस, अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड मेन्यू स्टाइल, जो कि हल्का सा लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिल जाता है। गाइस, अब बात कर लेता हूं मेरे थर्ड मेन्यू स्टाइल की, जो कि हल्का सा 1 क्लिक पे आपको राउंड घूमते हुए देखने को मिल जाएगा। और गाइस, बात कर लूं मेरे फोर्थ मेन्यू स्टाइल की, जो कि राउंड वाला है। गाइस, आपको जस्ट अपने फिंगर को राउंड स्लाइड करना है तो आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, मैं बात कर लूं अपने फिफ्थ मेन्यू स्टाइल के, फिफ्थ मेन्यू स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम टू सेम हमारा एप्पल वाला होने वाला है, जो कि स्क्रॉल करने पे जूम इन जूम आउट देखने को नहीं मिलता इस वॉच के अंदर। गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड फीचर की। थर्ड फीचर आपको म्यूजिक वाला देखने को मिल जाता है। फोर्थ फीचर आपको क्यूआर कोड वाला देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको स्कैन करने के बाद
इस वॉच के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज उसके बाद हमारा फिफ्थ फीचर आ जाता है जो कि एक डायलर होने वाला है। डायलर के बाद हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला है जो कि शटडाउन वाला देखने को मिल जाता है हमें। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रॉल करने पे हमें डेट और डेज का फीचर देखने को मिल जाता है और उसी के नीचे हमें चार फीचर और देखने को मिल जाते हैं जो कि वेदर, हार्ट रेट, शटडाउन और मेन्यू सेट्स वाले हैं। और राइट हैंड साइड पे आपको स्क्रॉल करने पे स्टेप काउंटर फीचर देखने को मिल जाता है और दोबारा से हमें राइट हैंड साइड स्क्रॉल करने पे हार्ट रेट वाला फीचर देखने को मिल जाता है और एक और बार स्लाइड करने के बाद गाइज हमें करंट वॉच फेस देखने को मिल जाता है इस वॉच के अंदर। गाइज इस वॉच में मैं ओनली आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑन करके दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गाइज जो पहला फीचर है हमारा फोन कॉल्स वाला, वो मैंने एंड में फोन करके दिखाया हुआ है तो आप देख लेना उसमें। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर की जो की आ जाता है हमारा म्यूजिक वाला। गाइज म्यूजिक फीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये कंट्रोल कर सकते हैं हम फोन के थ्रू। गाइज अब हमारा आ जाता है कैमरा फीचर। गाइज कैमरा फीचर भी इम्पोर्टेंट फीचर होता है क्योंकि हमें किसी भी टाइम वॉच से अगर फोटो क्लिक करवानी है तो हम करवा सकते हैं। इसके बाद आपको स्किपिंग वाला फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं आपने कितनी स्किपिंग की है वॉच को पहनकर। उसके बाद हमें कुछ फिटनेस रिलेटेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। अब बात कर लूं गाइस हमें इस वॉच के अंदर सोशल मीडिया साइट्स भी देखने को मिल जाती है जैसे कि हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखने को मिल जाता है हमें। गाइज उसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर होने वाला है जो कि है लैंग्वेज फीचर। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। गाइज उसके बाद बात कर लूं कि डाउनलोड एप्लीकेशन में आपको QR कोड देखने को मिल जाता है ऐप डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं आपको रीसेट फीचर देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आ जाता है मेन्यू स्टाइल्स का। और गाइज अब मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी वॉच में कैसे कनेक्ट करना है। गाइज बेसिकली आपको ब्लूटूथ डायरेक्ट ओपन कर लेना है और ब्लूटूथ में आपको इसका नाम दिख जाएगा इस वॉच का। गाइस आप वॉच का यूज करके डायरेक्टली फोटो भी खींच सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस वॉच का क्योंकि अगर आप अकेले हो तो कभी आपको सेल्फी खींचनी हो या फोटो खींचनी हो ट्राइपॉड लगा के आप फोटो खींच सकते हैं वॉच के थ्रू। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिल जाता है जो कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर है जो कि हमारा मैसेज पुश। तो गाइस इस फीचर को एक्टिव करने के बाद आप सारी नोटिफिकेशन को यस कर सकते हैं। इन सबको ऑन करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस आपके फोन पे आ रही हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा वेदर का। वेदर फीचर के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन से डे पे कितना टेम्परेचर था। गाइस उसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर देखने को मिल जाता है जो कि अदर फीचर के अंदर है। अदर फीचर के अंदर हमें वाइब्रेशन फीचर देखने को मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद गाइस हमारी वॉच वाइब्रेट होगी कॉल आने पे, मैसेज आने पे। गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा रीसेट फीचर। हम एप्लीकेशन के थ्रू भी अपनी वॉच को रीसेट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है स्कैनर। स्कैनर के बाद गाइस मैं बात कर लेता हूं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आ जाता है हमारा म्यूजिक प्लेयर। तो गाइस मैं म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूं आपको। गाइज अगर आपको बेस्ट वॉच चाहिए 1000 रुपीज के अंडर तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेकआउट कर लो एक बार। तो गाइज कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ वॉच का फेवरेट पार्ट।